हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, सौरभ परवी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड, इस वीडियो पे हम जानने वाले हैं कि ईमेल क्या होता है, व्हाट इज ईमेल। फ्रेंड्स, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। जब हम इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर, मोबाइल या अदर किसी डिवाइस से किसी को हम लेटर भेजते हैं या फिर अदर कोई डिजिटल डेटा को भेजते हैं, तो इस प्रोसेस को हम ईमेल कहते हैं। ईमेल के जरिए हम कई तरह का डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि पहला तो हम लेटर भेज सकते हैं, दूसरा हम किसी को फोटोज वीडियोज भेज सकते हैं, तीसरा कोई सॉफ्टवेयर भेजना चाहते हैं तो वो भेज सकते हैं, किसी को कोई म्यूजिक भेजना चाहते हैं या कोई ऑडियो फाइल भेजना चाहते हैं तो हम उसको सेंड कह सकते हैं। कुल मिला के ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि आपके मेमोरी कार्ड में जो भी डेटा स्टोर हो सकता है या फिर आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में जो भी डेटा स्टोर हो सकता है, वो सभी डेटा को हम ईमेल के जरिए किसी दूसरे व्यक्ति तक भेज सकते हैं। इसे और आसानी से समझते हैं। पहले जैसे कि फ्रेंड्स क्या होता था कि जब कभी हम किसी को चिट्ठी लिखना होता था या लेटर भेजना होता या कोई मैसेज या जानकारी भेजनी होती थी तो क्या करते थे, एक कागज़ लेते थे और पेन लिखते थे, फिर उस पर हम उस चिट्ठी को लिखते थे, उसके बाद हम जाते थे पोस्ट ऑफिस और वहाँ पर उस चिट्ठी को दे देते थे, उसके बाद वो चिट्ठी पोस्ट ऑफिस से उस जगह पहुँच जाती थी जिस व्यक्ति को आप भेजना चाहते थे। तो ये पहले का सिस्टम था, लेकिन समय के साथ बदलाव आया तो अब हो गया है वही टेक्निक, अब डिजिटल रूप में हो गया। तो अब क्या होता है कि हम किसी को कोई भी चिट्ठी, लेटर या डेटा भेजना होता है तो यहाँ पे हम इंटरनेट के माध्यम से भेजते हैं। तो जो भी काम अब हम इंटरनेट के माध्यम से किसी को चिट्ठी, लेटर या डेटा भेजते हैं उसे हम ईमेल कहते हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से किसी को चिट्ठी या डाक भेजने के तरीके को हम ईमेल कहते हैं। वैसे अब हम लोग डायरेक्टली ईमेल को अब मेल भी बोलने लगे, मतलब कई बार आपने सुना होगा कि मैंने आपको मेल कर दिया है, तुमको मैंने मेल भेज दिया है। तो अगर आपको इस तरह सुनने को मिल रहा है तो इट्स मीन्स फ्रेंड्स कि वो आपको ईमेल भेजा हुआ है, मेल नहीं भेजा है कि आप पोस्ट ऑफिस का इंतजार करें कि वो आपको चिट्ठी आने वाली है या कोई डाक आने वाली है। उसने अगर आपसे बोला है कि आपको मेल किया हुआ है, इट्स मीन्स फ्रेंड्स उसने आपको ईमेल किया हुआ है। ईमेल करने के लिए फ्रेंड्स हमको एक ईमेल एड्रेस की जरूरत होती है, जिसे हम आने वाली वीडियो पे जानेंगे कि हम अपना ईमेल एड्रेस कैसे बना सकते हैं और ईमेल को हम कैसे भेज सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए थे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही टेक अपडेट्स के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ईमेल और मेल में क्या अंतर होता है, ईमेल के जरिए आप क्या क्या भेज सकते थे और मेल के जरिए आप क्या क्या भेज सकते हैं। अपडेट रहें, सुरक्षित रहें।